हाँ एक मिनट में बस लाइट सेट कर लूँ, उसके बाद फिर आपको एक शॉट। परफेक्ट है ये जगह। लाइट है ना तुझे, कुछ गलत हो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए वरना। Let's click one, let's and click see. मिल गए इसमें और कोई जैसे रोज भी निकालो साथ में। और कुछ कर सकते हैं बस ना। एक आधी जगह ना यहाँ ट्राई ट्राई पॉपिंग आइज मोर नीचे का नहीं ले रहा हूँ। ठीक है आप दो
नाइस क्यूट नाउ व्हाट वो पीछे जी 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 बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अलग था बिकॉज कोरोना काल से पहले शूट करना और अब शूट करने में बहुत फ़र्क है. बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती हैं, प्रिकॉशंस एंड तमाम चीज़ें, बार बार हाथ सैनिटाइज करना, मेक श्योर करना कि फेस पे ऑफ कोर्स मेकअप है तो ब्रशेस क्लीन हो, सब कुछ क्लीन हो. काफ़ी सारे प्रिकॉशंस थे बट अच्छा रहा, मज़ा आया. सी ये एक्चुअली मुझे वैसे भी डॉल अप होना बहुत अच्छा लगता है एंड खास करके अगर उसका कोई लिंक प्रिंसेस से हो तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. प्रिंसेस लुक है लेकिन एक डॉल वाले अंदाज में, एंड मेरे बर्थडे पर आप जानेंगे कि ऐसा क्यों है. फ़िलहाल हम ये जो शूट कर रहे हैं वो एक मैगज़ीन के कवर के लिए है, जो स्पेशल एडिशन लॉन्च कर रहे हैं मेरे बर्थडे पर, तो इसलिए इट्स वेरी स्वीट जेस्चर एंड हम सब ने एक्चुअली एज टीम एज फैमिली बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया. थैंक यू. मैंने कहा ना कि टीम कम फैमिली ज़्यादा है, तो हमने बहुत मज़ा किया आज एंड द वेरी वेरी स्वीट. आई थिंक टीम ऐसी हो तो फिर आप यू नो किसी भी टाइम पे बिल्कुल भी अपसेट नहीं फील कर सकते. जी ऑनेस्टली मैं बस क्यूरियस हूँ क्योंकि कोरोना को लेके पैंडामिक, मतलब ये जो पूरा फेज़ है ये हम सबके लिए ही टफ रहा है एंड बिग बॉस में तो खैर वो और फिर कोरोना का स्ट्रेस, तो आई एम जस्ट क्यूरियस टू सी कि कैसे टर्न आउट होता है. आई जस्ट होप दैट एवरीवन विल बी फाइन. जी प्रिकॉशंस तो बहुत सारे लेने पड़ते हैं डेफिनेटली, राइट फ्रॉम सैनिटाइज करते रहना, घर जाकर हेड बाथ लेना, मेक श्योर करना कि सारे कपड़े फिर गर्म पानी में डाले जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, घर जाके काढ़ा पीना, देन रात को सोने से पहले हल्दी दूध पीना, तो आई थिंक ये तो एक रूटीन सा बन गया है. तो जनरली अब जब मैं शूट करके घर पहुँचती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है मैं वॉर फील्ड से आई हूँ लेकिन ठीक है. मैं जिन दिन शूट करती हूँ उसके अगले दो हफ्ते तक रोज़ टेम्परेचर चेक ज़रूर करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मतलब थोड़ा सा भी, मेरी मम्मा तो डेसिमल में भी बहुत यू नो पैनिक हो जाती है कि अरे 0.1 से कैसे बढ़ गया, तो इट्स कैन, लेकिन पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं, फैमिली फैमिली होती है, यू कैन हेल्प इट. मैं एक तेलुगु फिल्म और एक हिंदी फिल्म लॉकडाउन के पहले भी शूट कर रही थी एंड अब मैं खुद इनफैक्ट बहुत अब उस प्लेस पे हूँ कि हम लाइक अब जल्दी शूट स्टार्ट हो बिकॉज बहुत लंबा स्ट्रेच हो गया हमने शूट नहीं किया एंड मैं सेट्स पे रहना मिस करती हूँ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. मोस्टली प्लान है नवंबर शूट करने का, लेट्स सी. वैसे भी सेफ्टी फर्स्ट है, आई मीन इतने बड़े यूनिट के साथ साथ में शूट करना, प्रिकॉशंस के पैमाने बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो प्रिकॉशंस आई होप हम ले सकेंगे नवंबर तक. जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है टेरेंस सर के साथ शूट करना, बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा बॉन्ड, पूरे यूनिट में जो माहौल था वो बहुत ही अच्छा था, वेरी पॉजिटिव. हमने कुछ घंटों में वो पूरा वीडियो शूट किया है, तो एक आई थिंक एक मिनट भी ऐसा नहीं था जहां हम में से किसी ने भी इंजॉय नहीं किया हो. दैट इज़ एब्सोल्युटली थैंक्स टू एवरीवन जो टीम का हिस्सा है. टेरेंस सर के साथ मैंने पहली बार काम किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, वंडरफुल पर्सन, वेरी वेरी प्रोफेशनल एंड बहुत हैप्पी इंसान है, एंड ऐसा माहौल हो मैं खुद प्रेफर करती हूँ कि सब लोग खुश रहें, तो आई एम दिस वेरी वेरी हैप्पी. जाते-जाते ब्यूटीफुल गेटअप है एंड ये
तो ये तो खैर क्राउन मैंने कहा जैसा आपको बताया ये मेरा पेटेंट बन गया है. सो प्रिंसेस लुक है लेकिन डॉल वाले अंदाज में. आपको मेरे बर्थडे तक वेट करना पड़ेगा टू सी कि क्यों कैसे एंड यही क्यों. ये भी ये सब कुछ एक्चुअली जो भी आप लोग देख रहे हैं उसका एक बहुत ही अच्छा सा स्वीट सा पर्पस है जो हम बर्थडे पे रिवील करेंगे. थैंक यू थैंक यू थैंक यू.